फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए कि आप सबको पता है कि मेरी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल। क्या है? सेल। देखिए, चलिए एग्जांपल समझते हैं कि सेल कैसे है। तो जैसे आपको आपका एक हाउस है, हाउस किससे मिलकर बना होता है? कई सारे रूम्स से मिलकर बना होता है। रूम्स किससे मिलकर बने होते हैं? वॉल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। वॉल्स किससे मिलकर बनी होते हैं? ब्रिक्स से बनी हुई होती है। और ये ब्रिक्स किसी से मिलकर नहीं बनती है। सो ब्रिक, इसका हाउस की फंडामेंटल यूनिट क्या हुई? ब्रिक। क्या हुई? ब्रिक। ऐसी हमारी बॉडी जो होती है उसमें इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं। सो वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? टिश्यूज से। फिर टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं? सेल्स से। सो हमारी लाइफ का बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या हुई? सेल हुई। तो देखिए कि सेल की डिस्कवरी किसने करी? फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की? तो फर्स्ट करी थी रॉबर्ट हुक ने। कैसे करी थी? देखिए, उन्होंने उनका एक जो एक माइक्रोस्कोप था, सो उससे उन्होंने कॉर्क को देखा। तो उसका स्ट्रक्चर उन्हें दिखा कि हनी कॉम जैसा, यानी कि जैसे हनी बी का छत्ता होता है। सो वैसा स्ट्रक्चर उन्हें दिखा। सो इससे उन्होंने पता कर लिया कि उनके, क्योंकि उस जो उन्हें स्ट्रक्चर दिखा था उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से उन्हें पार्टिकल्स दिखे थे। सो उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है। अब तो उन्होंने कैसे डिस्कवरी करी? उन्हें डेड सेल की डिस्कवरी करी। कैसे? डेड सेल की डिस्कवरी करी रॉबर्ट हुक ने। फिर करी लिवेन हुक ने। उन्होंने कब करी थी? उन्होंने करी थी 1974। रॉबर्ट हुक ने कब करी थी? 1665 में। और उन्होंने कब करी थी? 1674 में। तो देखिए, उन्होंने करी थी लिविंग सेल की, पर उन्होंने करी थी डेड सेल की रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने किसकी करी? लिविंग सेल की करी। सो देखिए, फिर करी थी रॉबर्ट बॉर्न ने। इन्होंने कब करी? इन्होंने करी 1831 में। कब करी? 1831 में डिस्कवरी करी सेल की। सो पता चला कि सेल की डिस्कवरी किसने की? देखिए, फिर जो इस चैप्टर में हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनाइज्म मेड अप ऑफ, यानी कि जो जितने भी ऑर्गेनाइज्म है वो किससे मिलकर बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किससे उनका बने होते हैं? सेल से। किससे? सेल से। अब देखिए, ये ऑर्गेनाइज्म भी टू टाइप के होते हैं, एक मल्टी सेलुलर, एक होते हैं यूनी सेलुलर। यूनी का मतलब होता है सिंगल, और मल्टी का होता है मैनी। यूनी का मतलब सिंगल होता है, यानी कि सिंगल सेल, जिसमें सिर्फ एक सेल होता है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइज्म होता है? अमीबा। कौन होता है? अमीबा। फिर आता है अमीबा के बाद देखिए मल्टी, यानी कि मैनी। देखिए ये क्या होते हैं मल्टी सेलुलर, कौन कौन से ऑर्गेनाइज्म होते हैं? हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। देखिए ये होता है मल्टी सेलुलर, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है? ये होता है यूनी सेलुलर। इनके सबके सिर्फ एक ही सेल होता है। तो जब इनके एक ही सेल होता है तो वो सोचिए कितने छोटे होते होंगे, यूनी सेलुलर। देखिए समझ में आया कि सेल किससे मिलकर बना हुआ होता है ऑर्गेनाइज्म। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, देखिए कैसा होता है। अब जैसे मान लीजिए एक स्मूथ मसल सेल है, एक स्मूथ मसल सेल का कैसा होता है? देखिए स्मूथ मसल सेल का इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है स्मूथ मसल सेल का स्ट्रक्चर होता है, देखिए ऐसा। फिर देखिए ऐसे ही होता है स्पर्म का कैसा होता है, यानी कि ऐसा होता है ये सेल, ऐसा होता है स्पर्म सेल। फिर ओव्यूम का कैसा होता है? ओव्यूम का ऐसा होता है देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ओव्यूम का, ऐसा। या क्या हो गया? ओव्यूम। सो देखिए, फिर देखिए कि फैट सेल कैसा होता है? फैट सेल होता है ऐसा।
फैट सेल, इस साइड का ऐसे फैट सेल होता है, देखिए ये हो गया फैट सेल, इसे हम कहते हैं फैट सेल। सो देखिए समझ में आया कि सेल्स होते हैं ऐसे, और ब्लड सेल्स होते हैं ऐसे, होते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स इस टाइप के होते हैं सेल्स। ये होता है ब्लड सेल्स। सो देखिए ये होता है ब्लड सेल्स, ऐसे ही और भी सेल्स होते हैं जैसे बोन्स, बोन सेल्स, बोन सेल्स होते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका। देखिए ऐसा होता है, ये बोन सेल, ऐसा होता है बोन सेल का स्ट्रक्चर। सो देखिए ये मैंने आपको बताया कुछ सेल्स के स्ट्रक्चर, जैसे सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, इतने छोटे ये सेल्स होते हैं। फिर देखिए कि वाटर सेल मेड अप ऑफ, सेकंड टॉपिक कहता है वाटर सेल मेड अप ऑफ, सेल किस कैसे बना हुआ होता है, किससे किस चीज से बना हुआ होता है सेल। सो सेल से भी छोटी चीज होती है जिससे वो बना हुआ होता होगा। देखिए पहले तो देख लेते हैं कि सेल के अंदर होता है एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है स्पेसिफिक कंपोनेंट, उसे कहते हैं हम सेल ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनल्स, उसे हम कहते हैं सेल, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं उन्हें हम। सो देखिए कि अब सेल से, सेल किन किन चीजों से बना हुआ होता है। सो सेल बनता होता है थ्री फीचर्स से, सेल के अंदर थ्री फीचर्स होते हैं, वो सेल के अंदर होती होते हैं, यानी कि वो क्या क्या होते हैं देखिए, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है प्लाज्मा, देखिए फिर होता है कि साइटोप्लाज्म, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये थ्री फीचर्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो देखिए पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या होता है पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो होता है सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, क्या होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। देखिए कैसे होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, और देखिए ये जो होता है हमारा प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, ये क्या होती है, ये बहुत प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। देखिए एनिमल सेल यहाँ पे मैंने बना दिया, ऐसा होता है ये प्लांट सेल। क्या है ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल कैसे होता है, देखिए प्लांट सेल होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का। ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है उसका, हमारे प्लांट सेल का। और ये प्लांट सेल का किस चीज का स्ट्रक्चर है, ऑनियन पील्स का, किसका ऑनियन पील्स का स्ट्रक्चर होता है, ऑनियन पील का स्ट्रक्चर। ऑनियन पील्स में क्या होता है, ऑनियन पील्स किस में आती है, प्लांट्स, प्लांट्स में आती है। तो ये क्या हुआ प्लांट, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हुआ। देखिए ऐसा होता है, अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे इसके अंदर ऐसे डॉट से होते हैं। तो देखिए अब देखिए कि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस ये होती है जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसकी प्लांट सेल की, कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए एनिमल, एनिमल सेल की कैसे होती है, देखिए ये होती है एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देखिए आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट बाहर की, आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो ये क्या हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, किसकी एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए
देखिए समझ में आया कि क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटरमोस्ट कवरिंग होती है दोनों सेलों की, और ये क्या होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में भी होती है। अब ये बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ, ये बनी हुई होती है प्रोटीन से और लिपिड से। किससे? प्रोटीन से और लिपिड से बनी हुई होती है कौन नंबर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर देखिए कि अब ये जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होती है फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होती है किसमें, फ्लेक्सिबल होती है ये देखिए फोल्ड फोल्ड करने के लिए, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या हो जाती है फोल्ड हो जाती है। अब ब्रेक ब्रेक हो जाती है, ब्रोकन डाउन हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, ये टूट जाती है और रिन्यूट भी हो जाती है। रिन्यूट यानी कि ये वापस से जुड़ भी जाती है, जब ये ब्रेक हो जाती है तो वापस से जुड़ भी जाती है कौन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो पता चला प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। देखिए पहले समझ लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब लिक्विड्स लिक्विड्स के करते हैं कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले लो कॉन्सेंट्रेशन में मिल जाते हैं। ऐसे क्या होता है डिफ्यूजन में, क्या होता है डिफ्यूजन में भी क्या होता है, ये डिफ्यूजन में गैसेज में होता है, गैसेज में क्या होता है, गैसेज में होता है कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली गैसेस कहाँ पर मिल जाती है, लो कॉन्सेंट्रेशन वाली गैस में। सो देखिए समझ में आया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। चलिए स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं कि मान लीजिए सेल है, प्लांट एनिमल सेल ले लिया हमने, तो इसके बाहर क्या है, एनिमल के बाहर यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, और अंदर क्या है इसके अंदर क्या है CO2, अंदर क्या है CO2 है अंदर, और बाहर क्या है O2 है। सो अंदर था हुई लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या हुई O2 हुई, और बाहर क्या हुई लो कॉन्सेंट्रेशन में CO2 हुई। सो जब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली अंदर जाएगी और ये क्या आएगी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली अंदर वाली बाहर आ जाएगी। सो इससे क्या हुआ O2 बाहर चली गई क्योंकि उसका हाई कंसेंट्रेशन सा बाहर, और सेल के अंदर CO2 बाहर चली गई क्योंकि उसका सेल के अंदर हाई कंसेंट्रेशन था। समझ में आया, ऐसे ही वाटर में होता है। सो देखिए क्या होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, समझ में आया क्या होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। पर देखिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखिए क्या होता है कि, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए चलिए ये स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं, एक्टिविटी के साथ देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये हमने ले लिया, यहाँ पे हमने किसी चीज में, यहाँ पे हमने भर लिया वाटर, क्या भर लिया यहाँ पे हमने वाटर, वाटर यहाँ पे अंदर क्या हुआ ये सेल, सेल के अंदर क्या हुआ वाटर। देखिए क्या हुआ कि वाटर कम है यानी कि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, और बाहर क्या है हाई कंसंट्रेशन है, देखिए बाहर क्या है हाई कंसंट्रेशन है। देखिए बाहर क्या है यहाँ पे हाई लो, बाहर क्या है हाई कंसेंट्रेशन है और अंदर क्या है लो कंसेंट्रेशन है। जब हाई कंसेंट्रेशन वाले अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिस होते चले जाएंगे और इतना ये बढ़ फूल जाएगा कि ये फट भी सकता है, क्या होगा फट भी सकता है। सो यहाँ पे क्या होता है जिसमें हाई कंसेंट्रेशन क्या होता है सेल के बाहर होता है उसी को हम क्या कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। पर देखिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बाद देखिए फिर आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देखिए फिर से हम क्या लेंगे वाटर लेंगे, देखिए फिर से हम लेंगे वाटर, और यहाँ पे क्या है सब जगह देखिए ये क्या है न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस ये क्या है सेल है, क्या है सेल है। देखिए यहाँ पे क्या है इक्वल इक्वल कंसंट्रेशन है यानी कि यहाँ
बाहर भी क्या है, बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है और अंदर भी सेम है, जिसमें क्या होता है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होता है सेल के बाहर भी सेल के अंदर भी, तो उसी को हम कहते हैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। समझ में आया कि आइसोटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है? फिर देखिए आइसोटॉनिक सॉल्यूशन के बाद आता है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब ये क्या होता है सेल के अंदर हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। देखिए कैसा होता है सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन, देखिए फिर से हमें क्या लेना है, एक फिर से हमें लेना है वाटर, फिर से हमें वाटर लेना है। देखिए हमने ले लिया वाटर, ये हो गया सेल। देखिए ये हो गया सेल, सेल के अंदर क्या है हाई कॉन्सेंट्रेशन है। इस बार क्या है सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और सेल के बाहर क्या है यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। सो इससे क्या होगा कि जब उस सेल के, देखिए जब सेल के बाहर क्या होता है लो कॉन्सेंट्रेशन होता है और सेल के अंदर क्या होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, सो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। सो पता चला कि हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटॉनिक में आपको क्या याद रखना है कि सेल के बाहर जो होता है सेल के बाहर भी सेम अंदर भी सेम, यानी कि दोनों जगह क्या होती है इक्वल होती है। पर देखिए कि और हाइपरटॉनिक में क्या याद रखना है, तो सेल के अंदर क्या है हाई कंसंट्रेशन और सेल के बाहर लो कंसंट्रेशन। और फिर हाइपरटॉनिक में क्या याद रखना है, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन और सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन। समझ में आया? सो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। फिर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये एक चीज और आती है सेल वॉल। क्या आती है? सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि सेल वॉल नाम से पता चल रहा है सेल की वॉल, सेल की दीवार। अब आप कहेंगे कि देखिए ऐसे तो ये भी दीवार है, मतलब कि ये क्या होती है एक तरह से सेल वॉल क्या होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? सिर्फ प्लांट सेल की। ये क्या होती है? ना ही ह्यूमन सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना ही प्लांट सेल की, सिर्फ किसकी? इसकी होती है प्लांट सेल की। देखिए अभी होता क्या है सेल वॉल आउटर मोस्ट ऐसे कवरिंग होती है आउटर मोस्ट इसकी, पर ये क्या होती है ये डबल होती है। क्या होती है? डबल होती है ऐसे, जैसे ये हो गई एक और यहाँ पे क्या है दूसरी भी होती है, दूसरी लेयर भी होती है। तो देखिए कि सेल वॉल्स दो ऐसे होती हैं, तो इसे इन्हीं को हम क्या कहते हैं सेल वॉल्स। क्या कहते हैं? सेल वॉल। देखिए समझ पाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ब्रेन सेल वॉल में अंतर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है सेल के बिल्कुल सेल से तो जुड़ी हुई जो लेयर होती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली होती है सेल के बाहर वाली उसे हम कहते हैं सेल वॉल। समझ में आया? सेल वॉल क्या होती है? आप देखिए सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल मिलती है, सेल वॉल बनी हुई होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे? सेलुलोज से बनी हुई होती है। फिर देखिए कि ये जब सेल वॉल जब इसके दो सेल्स जब ज्वाइंट होते हैं आपस में, यानी कि दो ये सेल्स जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो क्या हो जाता है इससे एक लेयर बन जाती है लैमिना। लैमिना कैसे बनती है चलिए समझते हैं, देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये दो सेल्स ऐसे मिल गए, ये हुई सेल वॉल्स, ये हुई बाहर की सेल वॉल्स। अब देखिए एक सेल हमने बना दिया यहाँ पे, एक सेल बना दिया हमने यहाँ पे, देखिए ये बन गए दो सेल। अब जब आपस में ज्वाइंट करेंगे, जब इन्होंने आपस में ज्वाइंट करा तो यहाँ पे क्या बन जाती है एक लेयर बन जाती है, यहाँ पे क्या बन जाती है एक लेयर बन जाती है। उस लेयर को ही हम क्या कहते हैं? उस लेयर को कहते हैं लैमिला। क्या कहते हैं? लैमिला। ये देखिए यहाँ पे एक लेयर बन गई जब ये आपस में ज्वाइंट हुए, जब दो सेल जो सेल जब ज्वाइंट होते हैं तो क्या बन जाती है सेल लेयर बन जाती है, तो उसे कहते हैं लैमिला। फिर देखिए कि उसके बाद देखिए कि
अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी पढ़ चुके हैं, फिर आता है कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस क्या होता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस एक हेड क्वार्टर होता है सेल का, क्या हेड क्वार्टर होता है सेल का। फिर अगर हमें इसे विजिबल करना होता है, अगर हमें इसे विजिबल करना होता है तो इसे हमें आयोडीन डालना होता है या कोई कलर डालना होता है, तभी ये हमें विजिबल हो पाता है। कौन हमारा, ये न्यूक्लियस। अब देखिए ये सेल्स में कहां पर होता है, सेल्स में देखिए। अब ये एनिमल सेल की बात करें तो ये होता है, ये होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस, ये क्या है एनिमल सेल का न्यूक्लियस। अब कि एनिमल सेल में बात देखिए, एनिमल सेल की न्यूक्लियस के बाद फिर ये जो होता है, ये प्लांट सेल के न्यूक्लियस ये होते हैं जो आप डॉट डॉट सा बना हुआ जो देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम प्लांट सेल न्यूक्लियस। समझ में आया कि प्लांट सेल का न्यूक्लियस और एनिमल सेल का न्यूक्लियस क्या होता है। फिर देखिए कि ये जो होता है न्यूक्लियस जो होता है, ये सेलुलर एक्टिविटी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट कर देता है, क्या कर देता है, डायरेक्ट कर देता है, डायरेक्ट कर देते हैं ये सेलुलर एक्टिविटी को, और क्या करते हैं कंट्रोल भी करते हैं। कौन हमारे, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करते हैं कंट्रोल भी करते हैं इसे। सो फिर देखिए कि अब ये न्यूक्लियस के बाद डबल लेयर होती है, कैसे डबल लेयर होती है। सो उसी को हम, उसे हम न्यूक्लियस, उसे हम देखिए क्या होती है, कैसे होती है डबल लेयर, कैसे होती है बाहर। अब जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे एक लेयर बनी हुई होती है, डबल लेयर होती है यहाँ पे, मतलब कि वो दोनों लेयर मिली हुई है, डबल लेयर होती है यहाँ पे किसके, इसके हमारे न्यूक्लियस के बाहर। तो समझ, फिर देखिए कि अभी देखिए कहते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ एक लिक्विड टाइप
और ये भी क्या होता है, ये डॉट डॉट से तो आप ये दिख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, ये भी लिक्विड टाइप ही स्ट्रक्चर होता है। और ये आप देख ही सकते हैं कि लिक्विड टाइप हो ही रहा है, और ये थोड़े थोड़े जेली टाइप्स में भी होते हैं, कौन हमारे साइटोप्लाज्म। पर देखिए कि साइटोप्लाज्म में साइटोजोल्स होते हैं, ये साइटोजोल्स क्या होते हैं, अभी साइटोजोल्स ही क्या होते हैं, जो ये साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, जो उसी को हम साइटोजोल्स कहते हैं। सो देखिए साइटोजोल्स होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये लिक्विड टाइप होता है, पर जेली टाइप तो होते ही है, और हमारा साइटोप्लाज्म। पर देखिए कि अब आता है सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, जब हम पढ़ने वाले थे सेल किससे बन रहा है, तो मैंने आपको बताया था एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है, सो उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब देखिए इसे क्यों कहा गया है स्पेसिफिक कंपोनेंट, क्योंकि ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक वर्क करता है, क्या करता है, स्पेसिफिक वर्क करता है, जिससे क्या करता है कि सेल जिंदा रह सके। तो ये ऐसा एक स्पेसिफिक वर्क करता है, कौन हमारा, ये सेल और ऑर्गेनल्स करते हैं ऐसा वर्क। फिर देखिए सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं सिक्स टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर होता है गोल्जी अपार्टस, फिर होता है देखिए लाइसोसोम्स, फिर होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, फिर होता है प्लास्टिड्स, फिर होता है देखिए वैक्यूल क्या होता है, फिर वैक्यूल्स। पर देखिए फर्स्ट पढ़ेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। देखिए क्या होता है कि इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन का क्या है, नेटवर्क है, पर हमारा ये ईआर नेटवर्क है किसका, मेम्ब्रेन का, जो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, जो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये पाया कहाँ पे जाता है, साइटोप्लाज्म में, कहाँ होता है ये साइटोप्लाज्म में, देखिए तो होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, ये कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। फिर देखिए कि अभी जो होते हैं ये ईआर जो होता है हमारे, टू टाइप का होता है, एक एसईआर, एक आरईआर। एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए एसईआर क्या होता है, देखिए क्या होता है कि इसमें ये बना हुआ होता है, एसईआर किससे बना हुआ होता है, ये ट्यूबल्स से बना हुआ होता है, कौन हमारा, ये एसईआर। फिर देखिए ये मैन्युफैक्चर है, ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग में, किसकी करता है, ये फैट्स मॉलिक्यूल्स की और लिपिड्स की। और ये क्या होता है, ये राइबोसोम्स में नहीं होता है, कौन हमारा, ये जो होता है हमारा एसईआर, ये राइबोसोम्स में नहीं होता है। फिर देखिए आरईआर क्या होता है, आरईआर में देखिए क्या होता है कि ये क्या होता है, ये बना हुआ होता है आरईआर वेसल्स से, किससे, वेसल्स से बना हुआ होता है, ये हमारा आरईआर वेसल्स से बना हुआ होता है। तो देखिए कि ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग में, किसकी, मैन्युफैक्चरिंग में, देखिए प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। और ये क्या है, राइबोसोम्स में होता है, कौन, देखिए राइबोसोम्स में होता है, कौन हमारा, ये आरईआर, पर वो एसईआर राइबोसोम्स में नहीं होता था। तो समझ में आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। फिर देखिए गोल्जी अपार्टस क्या होता है, देखिए क्या होता है कि ये क्या होता है, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कि जिससे ये किसी भी फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट कर सकता है, किसी फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, कौन हमारा, ये जो होता है गोल्जी अपार्टस। फिर देखिए ये होता है कहाँ पे, ये भी साइटोप्लाज्म ही होता है, कौन हमारा, ये गोल्जी अपार्टस। पर देखिए ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर सकता है, कैसे कर सकता है, देखिए क्योंकि ये क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है फ्रॉम द फॉर्मेशन से, किसकी, लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स क्या होते हैं,
हम अभी लाइसोसोम्स ही पढ़ने वाले हैं, जो क्या है, थर्ड टाइप है इसका, हमारे ये सेल्स ऑर्गेनल्स का। देखिए क्या होता है, ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं, देखिए लाइसोसोम्स जो होते हैं ये हमारे, इन्वॉल्व जैसे कर देता है ये किसको, कॉम्प्लेक्स शुगर को, किसमें, सिंपल शुगर में। फिर देखिए ये तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, फिर फोर्थ क्या था हमारा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एक रॉइड रॉड टाइप स्ट्रक्चर होता है, सेल्स जो होते हैं ये हमारे सेल्स, सेल्स में बिल्कुल रॉड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सो आप रॉड मत मानिए, मतलब स्ट्रक्चर होता है रॉड टाइप का, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। फिर देखिए कि अब ये जो होते हैं प्लास्टिड्स, अब देखिए प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये फाइव टाइप है किसका, सेल ऑर्गेनल्स का। फिर देखिए किस क्या होता है ये, देखिए गाइस अब ये जो होते हैं हमारे प्लास्टिड्स जो होती है, ये ओनली प्लांट्स, प्लांट सेल्स में होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं ये। फिर देखिए कि ये प्लांट सेल्स में होते हैं सिर्फ, और हम इन्हें डीएनए भी कहते हैं, इसका सॉरी इनका खुद का डीएनए होता है, क्या होता है, इनका खुद का डीएनए होता है। और देखिए अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया थे, ये इन्हें हम पावर हाउस भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, पावर हाउस या स्टोरेज बैटरी, और इन्हें क्या है? और ये प्लास्टिड जो होते हैं इनका खुद का डीएनए होता है। फिर देखिए अभी प्लास्टिड जो होते हैं ये थ्री टाइप के होते हैं, एक लाइक, एक लिकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट। निकोप्लास्ट क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, ये व्हाइट इन कलर होता है, व्हाइट कलर का होता है, जो क्या होता है अंडरग्राउंड पार्ट में होता है, यानी सेल जो है सेल के अंडरग्राउंड नीचे के पार्ट में, ऐसे ही यहाँ नीचे के पार्ट में होता है कौन हमारा, ये निकोप्लास्ट। फिर देखिए कि हमारा क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये रेड और ब्राउन कलर का होता है, ये क्या होता है, रेड और ब्राउन कलर का होता है। फिर देखिए कि ये क्या पाया जाता है, ये मिडिल में पाया जाता है। फिर देखिए अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है प्लांट्स में। जब ये ग्रीन कलर का होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से क्या मिलकर बनता है, क्लोरोफिल। सो ये इसलिए क्लोरोफिल नहीं होता है तो लीव्स में, या फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट यूजफुल होता है किसके लिए, प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए। फिर देखिए ग्रीन कलर का होता है, और ये एरियल पार्ट में होता है, यानी कि ये ऊपर वाले पार्ट में होता है, ये ऊपर वाले पार्ट में होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, सेल के हमारे ऊपर वाले प्लांट पार्ट में होता है। फिर देखिए फिर लास्ट आता है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं, देखिए क्या होते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में क्या होते हैं कि ये वैक्यूल्स जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ये बाउंडेड रहते हैं, यानी कि घिरे हुए रहते हैं ये मेम्ब्रेन से, इसके मेम्ब्रेन से, और ये मेम्ब्रेन क्या क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं ये मेम्ब्रेन्स, किसके साइटोप्लाज्म में, ये यूको, ये होता है यूकोकार्योटिक, यूकार्योटिक सेल्स में। देखिए ये होता है वैक्यूल्स, पता चला वैक्यूल्स क्या होता है। सो हमने पढ़ लिए सेल ऑर्गेनल्स भी पढ़ लिए, सो यही था आज का हमारा टॉपिक, बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया सेल होता है लाइफ का, और हमने सेल के बारे में डिस्कस भी कर लिया। सो यही था आज का हमारा टॉपिक, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।